तो रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था और उसमें बताया था आपको कि कैसे आप लोग कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी और लैपटॉप में। एंड वहां पर कुछ लोगों को एक इशू नोट हुआ और उन्होंने मुझे कमेंट्स करके बताया कि भाई उनको नेटवर्क एरर जैसी एक प्रॉब्लम आ रही है कैपकट के अंदर, या कह लो कि उनके ट्रांजिशंस इफेक्ट्स वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि आप लोग कैसे अपने ट्रांजिशंस इफेक्ट्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पर जाना है और देखो यहाँ पर मेरा ये पुराना कैपकट तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो इसको मुझे अनइंस्टॉल करना है। आप लोग चाहो अगर विंडो 10 या 11 यूज़ करते हो तो सेटिंग्स में जाकर कर सकते हो, बट एक यूनिवर्सल तरीका बता देता हूँ। आप सिंपल कंट्रोल पैनल सर्च करो एंड इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर चले जाओ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। और अब देखो, रुको एक सेकेंड, पहले पीछे आ, यहाँ पर आपको आपका कंट्रोल पैनल हो सकता है ऐसा दिखाई दे, तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम्स का। यहाँ पर लिखा रहा है ना अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, तो ये यहाँ से चूज करके आप ओपन कर लो इसको। एंड ये देखो यहाँ आपके सारे ही सॉफ्टवेयर्स आ गए जो आपके पीसी में है। यहाँ फाइंड आउट कर लो कहाँ है अपना कैपकट, ये रहा। अब इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लो और यस मेरे पास आ गया आर यू श्योर टू अनइंस्टॉल कैपकट। ओके, कैपकट तो अनइंस्टॉल हो ही गया मेरा। अब देखो यहाँ से भी कैपकट चला गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक वीपीएन लगाना है, या चाहो तो क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस चेंजर जो आता है ना वो भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हो। वैसे तो मैं आपको वीपीएन पर करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक और बार अपना कैपकट को डाउनलोड करना है जो मैंने लिंक दिया था, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से डाउनलोड करो। वेल, मेरे पास तो कैपकट पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे यहीं से ओपन कर लेता हूं। इंस्टॉल का इंटरफेस सामने आ गया है, अब यहां से इसे एग्री करूंगा। ये लोकेशन चेंज करके मैं अपनी एसएसडी में इंस्टॉल करता हूं, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। सी ड्राइव में मत इंस्टॉल करना, कोई और ड्राइव सिलेक्ट करो और उसके अंदर इंस्टॉल करो। अब ये हो गया मेरी यहां से ड्राइव सिलेक्ट, अब इसे इंस्टॉल नाउ करूंगा। एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है बता देता हूं कि इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन नहीं करना है, खास बात का इसका ध्यान रखना। अब देखो ये इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट नाउ का, तो हमें इसे ओपन नहीं करना है। अगर आप ओपन करोगे तो फिर बाद में कोई असर नहीं होने वाला, दोबारा से इंस्टॉल करके आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से अपना वीपीएन लगाते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी एक वीपीएन है टर्बो वीपीएन करके। आप लोग चाहो तो जो वीपीएन आपके पास है आप उसे यूज कर सकते हो। कंट्री में आपको बता देता हूँ कौन सा चूज करना है। ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना यूएस का ऑप्शन और सिंगापुर का ऑप्शन, तो आप यूएस का चूज कर लो एंड ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। नाउ कनेक्ट हो चुका है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं एंड कैपकट कहाँ गया, ये रहा मेरा कैपकट, अब इसे ओपन करूंगा। अब यहां पर देखो मेरे पास सामने पैनल आ चुका है एंड यहां जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी इफेक्ट्स की, ट्रांजिशंस की और फिल्टर्स की। तो देख रहे हो आप लोग के सारे इफेक्ट, सारे ट्रांजिशंस आ चुके हैं मेरे सामने। थोड़ा सा टाइम लेंगे लोड होने में, बट थोड़े टाइम बाद वो लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। एंड आप अगर इन्हें एक बार डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसके बाद अगर आप वीपीएन ऑफ भी कर देते हो तो फिर भी आपके पास ये ट्रांजिशंस, ये इफेक्ट्स रहेंगे। आप इनका जब चाहो जैसे चाहो यूज कर सकते हो। एक दो बातें आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपका अनइंस्टॉल किए बिना वीपीएन लगाने पर डायरेक्टली ये सब फीचर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हो, एंड अगर नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले इसे अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो एंड दोबारा से वीपीएन लगाकर इसे ओपन करो, तो फिर आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे आपको बताना था सॉल्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।